चलचित्र आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि जिस किसी प्लांट में आग लगने की सबसे अधिक संभावना है, वहां पर हमें किस प्रकार के वॉल को चुनना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकतर हम देखते हैं कि दो प्रकार के वॉल्स आप कभी भी देख सकते हैं। इस प्रकार का जो वॉल है, जिसमें अतिरिक्त लंबाई का ये स्टड का उपयोग किया गया है इस वॉल को बिठाने के लिए दो फ्लांज के बीच में, और दूसरा जो प्रकार है जिससे आप सभी परिचित हैं, जिसमें प्रत्येक दो पाइप जो है जिसके बीच में वॉल है, पहले पाइप पर एक फ्लांज होगा, दूसरे पाइप पर एक फ्लांज होगा, और दोनों फ्लांज को जोड़ने के लिए उस वॉल के ऊपर भी दो फ्लांज होगी दो दिशा में। तो ये सबसे सब लोग जानते हैं इसे। जब आज जो जहाँ पे आग लगने की सबसे अधिक संभावना है ऐसे प्लांट में, जैसे कि पेट्रोलियम का प्लांट है या इस प्रकार के जो है, उसमें आप इस वॉल का उपयोग, इस प्रकार का जो वॉल है जिसमें एक लंबा स्टड लग रहा है, इसका उपयोग निषेध है। इसे हमें टालना चाहिए जितना हो सकता है। ऐसा क्यों, इसे हम अगले स्लाइड में देखेंगे। तो जब दुर्घटना होती है, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये वास्तविक में जहाँ इस प्रकार की दुर्घटना हुई उसका ये चित्र लिया गया है। ये जो वॉल है, ये और ये फ्लांज वॉल है जिसमें दो अलग फ्लांजेस है और उनको जोड़ने वाले दो अलग अलग बोल्ट जॉइंट्स है, और ये जो है, ये जो अतिरिक्त लंबाई वाला जो फ्लांज जॉइंट है ये है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आग जो है वो अधिक मात्रा में फैली हुई है तुलना में इसके, इन दोनों के। तो उसका कारण ये है कि जब कभी आग लगती है तो आसपास का जो उसका वातावरण है जिसमें वो फ्लांज जो वॉल है, वो वातावरण का तापमान बढ़ने लगता है, और जैसे ही ये तापमान बढ़ने लगता है, ये जो स्टड है इसकी लंबाई आपके फ्लांज वाले स्टड से कई अधिक है, और ये लंबाई अधिक होने के कारण से इसमें जो विस्तार होगा, स्टड का विस्तार होगा, वो भी अधिक होगा। और जैसे ही वो स्टड का विस्तार अधिक होगा, आपका जो ये फ्लांज का जोड़ बना हुआ है वो ढीला हो जाएगा, और जैसे ही ढीला हो जाएगा, इसके अंदर जो भी गैस अथवा ऑयल या जो भी ज्वलनशील पदार्थ आप उपयोग कर रहे हैं, वो तुरंत बाहर आना शुरू होगा। जैसे ही वो बाहर आ गया और बाहर आना चालू होता है और आसपास में आग लगी है, तो आग तुरंत बढ़ेगी। तो इस कारण से आपकी जो दुर्घटना है, वो दुर्घटना बहुत ही भीषण और गंभीर रूप ले सकती है। जब किसी प्लांट में आग लगती है तो आग के फैलने का जो समय होता है वो बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि यदि वो समय आपका अधिक होगा तो लोगों को वहां से बाहर निकलने के लिए समय मिलेगा। और इस प्रकार का जो ये वॉल है, अतिरिक्त लंबाई वाला बोल्ट जिसमें उपयोग हुआ है, वो समय को घटाता है, क्योंकि उसमें जहां पे भी आपने ये वॉल का उपयोग किया है, तुरंत उसमें से वो ज्वलनशील पदार्थ बाहर आना आरंभ होगा और आपकी आग बढ़ेगी। अब इसमें यदि आप इस प्रकार का जो फ्लांज जॉइंट है, इसका उपयोग यदि आपको अनिवार्य है, या आप इसका उपयोग इसलिए होता है क्योंकि ये जगह कम लेता है, आपने देखा होगा ये इसकी जो जगह है ये कम जगह ली हुई है इसने, तो यदि इसका उपयोग करना ही है तो आप ऐसे पदार्थों के लिए कर सकते हैं, जैसे कि पानी है, तो यदि उसमें लीकेज भी हुआ, यदि उसमें से पानी बाहर भी आना शुरू हुआ उस प्लांज के जोड़ से, तो भी आग फैलने में कोई महत्व नहीं होगा। तो इस प्रकार की जो सर्विस है उसके लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अन्य जो सेवाएं है, जैसे कि आपका कोई तेल या केरोसिन है जिससे कि आपकी आग फैल सकती है, वैसी सेवाओं के लिए आप इस प्रकार का प्लांट जोड़ का उपयोग नहीं करना चाहिए, इस प्रकार के वॉल का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये इस छोटा सा ये वीडियो है, परंतु ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, इस उद्योग में काम करते हैं, और जो मेंटेनेंस से संबंधित है उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, और इसे आप अवश्य ही अपने मित्रों तक पहुँचाएँ। या आपका अपना चैनल है गणेश पाइपिंग,
और इसमें जितने भी हम लोगों ने चलचित्र बनाए हुए हैं वो आपके लिए है, आपकी ज्ञान की वृद्धि के लिए है। आप अपने सुझाव विचार हमें अवश्य भेज सकते हैं, इसकी नीचे जो प्रतिक्रिया दी हुई है उसमें आप टाइप कर सकते हैं। इस चलचित्र का अंग्रेजी संस्करण भी उपलब्ध है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जो लोग इसे अंग्रेजी में देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। इस वीडियो के अंत में आप सभी से निवेदन है कि इसे अधिक से अधिक शेयर करें, साझा करें और अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक आपके पहुंचाएं, ताकि लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। ये विनामूल्य है, निशुल्क है, और इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करने के लिए कहिए। आपने इस वीडियो को देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।